नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है इस खबर का। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस और कथावाचकों पर की गई टिप्पणी के बाद हिंदू संगठनों में उबाल है। गाजियाबाद के पौश इलाके इंद्रापुरम में हिंदू संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है। साथ ही मांग की है स्वामी को उनकी टिप्पणी पर उनको जेल भेजा जाए। देखिए, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल बयान दिया है, रामचरितमानस पे सवाल उठाए हैं, हमारे जो भी संत हैं, हमारे जो भी कथावाचक हैं, उनके लिए बोला है कि भांग खा के वो कथा आप करते हैं, तो उसके खिलाफ आज हम लोगों ने गाजियाबाद के इंद्रापुरम में हमने आज उनका पुतला फूंका है और सरकार से मांग करते हैं कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। देखिये भाई, सरकार उनकी जो वो है पार्टी हो तो यही कहेगी, व्यक्तिगत बयान है उनका, पर व्यक्तिगत बयान किसी का नहीं होता। ये सब एक विचारधारा के लोग हैं। जिस तरीके से ये हिंदुओं का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान करना ये लोग कर रहे हैं, ये अब हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। हर एक युवा जाग उठा है कि आप हमारे धर्म के ऊपर घात करोगे तो हम भी ईंट का जवाब आपको पत्थर से देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिर ये बयान क्यों दिया? आखिर इसके पीछे उनकी क्या मंशा होगी? ये तमाम सवाल लोगों के मन में कौंध रहे हैं। लोगों के मन में सवालों के ज्वार फूट रहे हैं। आखिर रामचरितमानस को बार बार निशाना क्यों बनाया जाता है? इसी मसले पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर, जिस बयान को लेकर हिंदू रक्षा दल से लेकर जितने भी हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो इस समय पर आक्रोशित हैं। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया जा रहा है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और गाजियाबाद में हमारे साथ हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ विकास जी हैं और उन्होंने अभी पुतला दहन किया है। क्या कुछ कहना है उनका, उनसे बात कर लेते हैं। विकास जी, आज आपने पुतला दहन किया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का और किस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया, क्या कुछ? देखिए, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस पे सवाल उठाए, जिस तरीके से वो कहते हैं कि जितने भी बाबा संत हैं भांग खा के प्रवचन करते हैं, तो इस पर हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन प्रकट किया है, जिसमें आज हमने उनका यहाँ पुतला फूंका है और उनकी गिरफ्तारी की मांग करी है। क्या लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने आप बयान दिया है या पार्टी के कहने पर इस तरह का बयान? अब ये तो पार्टी वाले जान सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जान सकते हैं, पर हाँ, अगर उनके व्यक्तिगत बयान है तो उनको पार्टी को तुरंत उनको अपने इनके पद से हटाना चाहिए, पार्टी से बाहर करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि मैं यादव हूँ, मैं यदुवंशी हूँ, ठीक है, हम बहुत देवी देवताओं का सम्मान करते हैं और आप ही के MLC जो हैं वो हमारे रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, तो इस पर विरोध होना चाहिए और उनको उनकी पार्टी से हटाना चाहिए। और इससे ज्यादा देखा जाए तो पहले भी कई विवादित बयान दिए गए हैं, हालांकि जब भाजपा में थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद उन्होंने भाजपा छोड़कर सपा को ज्वाइन किया और जहां जिस सीट से वो लड़ रहे थे वो सीट भी उन्होंने वहां से गंवा दी, तो क्या लगता है कि इस तरह की टिप्पणी और इस तरह की बयानबाजी करना, क्या राजनीति कुछ फायदा चाहते हैं? फायदा उनको क्या मिलेगा? आप भगवान का अपमान कर रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, तो फायदा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर हाँ, आपने अपनी पार्टी के लिए गड्ढे खोद दिए हैं। जो थोड़े बहुत हिंदू आपको वोट करते थे वो भी जो असली हिंदू है वो आपको वोट नहीं करेंगे, बाकी तो जो सेकुलर हैं, जो भाईचारे में जी रहे हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता उनके लिए। जी, तो देखिए, ये थे हमारे साथ विकास जी, जिन्होंने खासतौर पे बताया है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयानबाजी करी है रामचरितमानस को लेकर, तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन के जितने भी लोग हैं सभी समय नाराज है और लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद से प्राइम टीवी के लिए प्रवीण मिश्रा। आपको बता दें कि पहले बिहार के मंत्री और उसके बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य के श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद लगातार विवाद बढ़ा हुआ है। हिंदू संगठन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर लगातार हमलावर है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में समाजवादी पार्टी कोई एक्शन लेती है या फिर पुलिस को इसमें दखल अंदाजी करनी पड़ती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए तब तक देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।